Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. दाढ़ी कटवानी पड़ेगी क्या? हाँ, कृष्ण बनने के लिए दाढ़ी कटवानी पड़ेगी। उसके बिना नहीं हो पाएगा। नहीं। बाय बाय। ये मेरे पास अभी कॉस्ट्यूम है, अभी आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह से मुझे तैयार करेंगे। तो मेकअप हो गया और राज भाई छूट मैंने मेकअप कर रहा है मेरा। इन लंबी जुल्फों को देख के धोखा मत खाना, अंदर से लड़के ही हैं। शुरू में मजा आ रहा था, अब काफी थक चुके हैं। बहुत ज्यादा ब्रो। किसने के साथ? ये बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते, मतलब काफी बड़ी एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया सीरियसली। आज नहीं आया तो कब आएगा मुझे? देखो मैं तेरे से हर साल आओ, अब तो ऐसा है कि हर साल यहीं पे होली मनाने आना है, ये तो डन है। मेरे को पहले से नहीं पता था ना कि ऐसा होता है, नहीं तो मैं वहीं से तैयार होके आता शिव जी के लिए। आते आते तो बड़े मजे से नाचते नाचते आए, पर अब ऊपर जाने में हालत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। सुबह से शाम हो गई है, हम अभी भी नाचने में ही है, और इस गेटअप के साथ इतना डांस करना होगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। एक्चुअली अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि लिटरली आज इतने लोगों ने प्यार दिया है इस कैरेक्टर को, मुझको, कि मैं शब्दों में उसको बयान कर ही नहीं सकता। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं इस कैरेक्टर को प्ले करना डिजर्व करता हूँ, क्योंकि नोइंगली और अनोइंगली पास्ट मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है, और अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं दिल से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ फॉर यू नो फॉर हर्टिंग देम इन एनी सेंस। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली सुबह 7 बजे। जोश में क्या कर लिया है?
अरे कोई बियर्ड ऑयल लाओ यार। ओ कभी ऐसे चिकने तेरे, ओ कभी ऐसे चिकने तेरे, कभी न नजर बिसरे।